When the wind begins to flare and the love is in the air, it's time to be with your soulmate in the cozy chair. Hello everyone, welcome back to my channel VZP. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा होम एंट्रेंस मेकओवर 2020. वेल, इस बार का मेकओवर मेरे लास्ट होम एंट्रेंस मेकओवर से काफ़ी डिफरेंट है. तो इस बार सर्दियों के लिए मैंने एक प्रॉपर यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का सेटअप किया है, जिसमें आप सुबह दोपहर शाम यहाँ पे आराम से इंजॉय कर सकते हैं. सुबह की चाय हो या शाम की चाय, आप यहाँ पे आराम से चिल कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कैसा हुआ है मेरा ये मेकओवर. तो ये है वो स्पेस जिसका मैं मेकओवर करने वाली हूँ. तो ये जो स्ट्रिंग लाइट्स आप देख रहे हैं, ये हमने दिवाली में लगाया था एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि इसे मैं थोड़े टाइम और रहने देती हूँ. वेल, विंटर तक मैं इसे रहने देना चाहती हूँ. वैसे भी ये लाइट्स अगर आप रख देते हो तो नेक्स्ट ईयर ये काम नहीं आते, ये ख़राब हो जाते हैं. तो मैंने सोचा इनको मैं यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ. तो वैसे हमने सब कुछ यहाँ पर हटा दिया था, बट जो छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर रह गई थी उसे मैं 4x4 की स्पीड से फटाफट से क्लीन कर लूँगी. तो बरसात के बाद आप ग्रिल्स की हालत देख ही पा रहे हैं कि कैसी हालत हो गई है. तो जितना जंग मैं हटा सकती थी मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है. नेक्स्ट आते हैं इस डोर की तरफ, जो कि है मेरा होम एंट्रेंस का डोर. तो यहाँ पे ये एक नेट लगा हुआ है, जो कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जंग लग गया है एंड थोड़े से पेंट के स्टेन्स हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा ख़राब दिखता है. तो इसे मैं स्प्रे पेंट की हेल्प से थोड़ा सा एक कवरेज दे दूंगी. उसके बाद ये जो ग्रिल्स हैं इनको भी मैं वाइट इनेमल पेंट से यहाँ पे पेंट कर लूँगी. तो मैं उतना ही पेंट करने वाली हूँ जितना कि अभी विजिबल होने वाला है. बाकी जो ग्रिल्स हैं उन्हें मैं कवर करने वाली हूँ. तो इसको पेंट करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा स्टूल था मेरे पास, इसे मैं यहाँ पर येलो इनेमल पेंट से पेंट कर लूँगी. एंड उसके बाद एक वुडन फ्रेम है मेरे पास, जो कि मैं 1.5 साल पहले बंजारा मार्केट से लाई थी. तो इसे भी मैं यहाँ पे कुछ एक्रेलिक कलर से पेंट कर लूँगी. तो ये एक्रेलिक पेंट्स मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ. इनको मिक्स करके मैंने एक एक्वा कलर बनाया है एंड मैं अपने फ्रेम को यहाँ पे अच्छे से पेंट कर लूँगी. तो अब चलते हैं हम फर्निशिंग की तरफ. तो ये मैं लोकल मार्केट से बस ड्रेस मटेरियल का कपड़ा लेकर आई हूँ, जो थान के कपड़े होते हैं. एंड ये मुझे कुछ 140 रुपीज़ पर मीटर पड़ा है एंड मैंने 2 मीटर लिया है, मतलब 280 रुपीज़ में मैं 2 मीटर कपड़ा लेकर के आई हूँ. और कुछ इस तरीके से मैंने इसकी 3 तरफ से सिलाई कर लिया है एंड ऊन के ये कुछ टैसल्स बना के मैं अपने जो ये थ्रो बना रही हूँ इसके मैं फ्रंट साइड में कुछ इस तरीके से स्टिच कर लूँगी. तो मैंने पूरी सिलाई इस बार हाथों से ही की है, क्योंकि मेरे मशीन ने थोड़ा सा मुझे धोखा दे दिया है. उसे मुझे सर्विसिंग में देना है. वेल, अभी तक मैंने दिया नहीं है, बट उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने अपने थ्रो के फ्रंट साइड में बहुत सारे टैसल्स लगा लिए हैं. तो अब हम चलते हैं डेकोरेशन की तरफ. तो ये कारपेट ग्रास हम लोकल स्टोर से लेकर के आए हैं 6x3 फीट का, जो कि हमें पड़ा है कुछ 1000 रुपीज़. अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो ये आपको थोड़ा प्राइसी पड़ेगा. तो इसे हमने ग्रिल में कुछ ये निडल है एंड ये प्लास्टिक रोप, जो कि आपको बहुत ही इजीली लोकल हार्डवेयर स्टोर्स में मिल जाएंगे, उसकी हेल्प से मैं अपने इस कारपेट ग्रास को ग्रिल में फिक्स कर दूंगी.
आप यहाँ पे कोई भी रोप यूज़ कर सकते हैं, बट इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो। आप जूट रोप, प्लास्टिक रोप या फिर इस तरीके के जो कार्टन पैकिंग के लिए रोप्स आते हैं, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इस तरीके से आप इस रोप को यहाँ पे ईज़ली कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने ईज़ली कवर हो गया, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि मैंने यहाँ पर रोप यूज़ किया है। तो ये एक प्लैंक है, मतलब ये आपको पैकेजिंग में मिलती है, तो मुझे बस रैंडमली मिल गया तो मैंने यहाँ पे इसे यूज़ कर लिया है। उसके बाद ये कुछ हैंडमेड कर्टन्स हैं, ये शिफॉन का कपड़ा मैं लाई थी, कुछ 70 या 75 रुपीज़ पर मीटर है। एंड मैंने 7.5 मीटर कपड़ा लिया था, लाइक 2.5 मीटर का एक कर्टन बनाया है मैंने, और मैंने ऐसे 3 कर्टन्स बनाए हैं। एंड 125 रुपीज़ के मैंने यहाँ पे कुछ पॉम्पम लेस मंगाए थे, एंड उसे मैंने साइड में कुछ इस तरीके से स्टिच कर दिया है। एंड ये सब मैंने हाथों से ही किया है, इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया, एंड इसी की वजह से मेरा वीडियो भी थोड़ा सा डिले हो गया है। बट मेहनत रंग लाई और मुझे ये कर्टन्स बहुत पसंद आए हैं। तो यहाँ पे कर्टन टाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्रोशिया के काम मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। आप चाहें तो नॉर्मल लेस या पॉम्पम लेस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में किसी को आता है तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए कुछ ऐसा बना कर दे दें। तो अब बारी आती है गद्दे की, थ्रो की एंड कुशंस की। तो इस बार मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सब कुछ खुद से DIY करूँगी, मैं सारी चीज़ें खुद से सिलूँगी। तो यहाँ पे ये कुशन कवर भी मैंने खुद से सिला है, एंड ये मैं लोकल शॉप से ही ये फैब्रिक लेकर के आई थी, एंड ये ड्रेस मटेरियल का ही फैब्रिक है। एंड ये मुझे मिला है कुछ 150 रुपीज़ पर मीटर, एंड 2 मीटर में मैंने 2 कुशन कवर्स यहाँ पर 24x24 इंच के कुशन कवर्स बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पे अपने सारे फ्रेम्स हैंग कर दूँगी। यहाँ पे कुछ छोटे फ्रेम्स जो आप देख रहे हैं, ये मैंने दिवाली DIY में शेयर किया था, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट जो कि है लव लाइट। ये मैंने मंगवाया है बुलबुल ऐप से, जो है एक वीडियो शॉपिंग ऐप। वहाँ पे आप लाइव वीडियोस देख सकते हैं एंड आप रिव्यू कर सकते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बैटरी प्लस इलेक्ट्रिसिटी दोनों से इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसे लाइट कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी सॉफ्ट है एंड स्टर्डी है एंड स्ट्रॉन्ग है, ये अगर बाय चांस गिर भी जाता है तो ये टूटेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये बर्ड हाउस स्टाइल में कैंडल होल्डर, जो कि अगेन है बुलबुल ऐप से मंगवाया हुआ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये एक प्लांटर स्टैंड यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पे ये मैं एक कप स्टाइल का प्लांटर यूज़ कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट ये लाइट, जो कि अगेन मैंने मंगवाया है बुलबुल ऐप से। तो आपको मैं उन सब के लिंक दे दूँगी, आप मेरे बुलबुल स्टोर पे जाकर चेक कर सकते हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रही हूँ पिगी मिनिएचर प्लांटर, जिसमें मैंने एक आर्टिफिशियल सिकलेंट लगाया है। ये भी मैंने बुलबुल ऐप से मंगवाया है एंड ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा। इसके साथ मैंने एक और प्लांटर मंगवाया है जो कि है एलिफेंट शेप में, जिसको मैं यहाँ पे एज अ कैंडल होल्डर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स रख दिए एंड जो मेरा टेबल मैंने पेंट किया था उसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ। एंड जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, एलिफेंट प्लांटर, तो इसको मैं यहाँ पे एज अ कैंडल होल्डर यूज़ करने वाली हूँ। तो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप जो बॉटल आर्ट बनाती हैं उसमें जो लाइट्स यूज़ करती हैं वो कौन सी लाइट्स होती हैं। तो वेल, ये बॉटल लाइट्स स्पेशली बॉटल आर्ट्स के लिए या बॉटल लैंप्स के लिए आती हैं, तो आप इन लाइट्स को यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं। तो ये भी मैंने बुलबुल ऐप से मंगवाया है, इसमें बैटरी ऑलरेडी आती है, जब ये ख़त्म हो जाएगी तो आप इसे रिफ़िल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नोज़ल के ऊपर बटन बना है जिसे आप इसे ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये बॉटल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले
लिए बनाया था, इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये फेरी लाइट को बॉटल के अंदर कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर दूंगी, जो कि है बहुत ही हैसल फ्री एंड पॉकेट फ्रेंडली भी है, तो आप इसे ख़रीद सकते हैं एंड इसे आप कहीं पर भी घर का कोई भी कोना डेकोरेट कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है एंड एक्स्ट्रा आपको बैटरी का वज़न उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसे यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे मैं ऊन की हेल्प से इसे यहाँ पे हैंग कर दूंगी। तो आज का हमारा मेकओवर हो चुका है, तो चलिए देखते हैं फाइनल रिवील। तो मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए प्लीज़ फॉर मोर सच वीडियोस। तो मिलते हैं अगले वीक एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए आइडियाज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।